जनपद में गेहूं की खरीद फरोख्त के लिए 85 केंद्र बनाए गए हैं। सरकार द्वारा गेहूं की खरीद के लिए 1975 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से मूल्य निर्धारित किया गया है। बिचौलियों को पूरी तरह से खरीद से दूर रहने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने न्यू न्यूज से हुई बातचीत में कहा कि सरकार द्वारा किसानों की गेहूं की फसल को समय से खरीदने के लिए क्रय केंद्र लगा दिए गए हैं, जिन पर खरीद के लिए निर्धारित कर दिया गया है। किसी भी हाल में बिचौलियों को किसानों से दूर रखा जाएगा। अगर कोई बिचौलिया किसानों को गुमराह करता है या फिर भ्रम फैलाकर उनसे गेहूं की खरीद करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि बिल लाए गए थे, उसके खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में किसानों की गेहूं की फसल भी आ चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण साहब। बात करते हैं कि किस तरह एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की फसल यानी गेहूं की बिक्री का समय आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में क्या पहल की है, किस तरीके से किस रेट पर किसानों के गेहूं खरीदे जा रहे हैं, और बिचौलियों से बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सर, एक तरफ तो अभी आंदोलन चल रहा है, लेकिन ऐसे में गेहूं की फसल के लिए किसान बड़ा लालायित है, उसके लिए सरकार ने क्या आवश्यक कदम उठाए हैं उसको कि वाजिब मूल मिले? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से मार्च के अंत में या अप्रैल के फर्स्ट में हमेशा गेहूं की ही फसल आ जाती है, जबकि मध्य यूपी में और पूर्वी यूपी में एक माह बाद में आती है। अब के मुख्यमंत्री जी को और जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 31 मार्च को ख़ास तौर से मैंने जो एक 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 सेंटर पे मैंने रिपोर्ट ली, 31 मार्च तक प्रत्येक खरीद केंद्र पे कम से कम 2,500 3,000 बोरे वहाँ खरीद केंद्र पे पहुँच चुके थे, कांटे लग चुके थे। 1 तारीख से खरीद प्रारंभ हुई है। छाता क्षेत्र के 16 खरीद केंद्र हैं। 16 पे एक खरीद केंद्र कल तक चालू नहीं हो पाया था, शेरगढ़ का। 15 पे कल तक 3,000 कुंटल गेहूं खरीदा गया है। मुख्यमंत्री जी का साफ साफ कहना है 2975 रुपये कुंटल गेहूं का रेट है जी। हम किसान का पूरा गेहूं खरीदेंगे। जो बिचौलिए और दलाल जिनके पेट में दर्द होता है कि हर साल अपना 300-400 रुपये का मार्जिन दलाली में कर लिया करते थे, वो यदि कहीं भी इस तरह की कोशिश करेंगे तो उन दलाल और बिचौलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एमएसपी को लेके खासतौर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पूरी तरह से हम किसान के गेहूं को 24 घंटे के अंदर, जैसे ही किसान का गेहूं तुलेगा उसके 24 घंटे के अंदर उसके खाते में पूरा पैसा आएगा। किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं होगी। एमएसपी को लेकर किसान लगातार सरकार से अपनी मांग को कहते आ रहे हैं, ऐसे में इस वक्त किसानों की फसल की बिक्री का समय भी आ गया है, खरीद फरोख्त का समय चल रहा है गेहूं की फसल का, एमएसपी को लेकर सरकार की क्या पहल रहेगी, और ख़ास तौर पर उन बिचौलियों से जिसके लिए किसान सरकार और बिचौलियों के बीच में भ्रमित रहता है? देखिए, ये जिन लोगों ने किसान बिल को नहीं पढ़ा, तीनों कानूनों को, ये वही लोग भ्रमित हैं। एमएसपी हिंदुस्तान में 1965 में लागू हुई। 1965 से आज तक जो एमएसपी का कानून था वही आज है, कोई बदलाव नहीं हुआ। केवल उसमें किसान कानून लाके कुछ जोड़ा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, उसमें से कुछ निकाला नहीं गया, उसमें कुछ जोड़ा गया है। जब तक हिंदुस्तान में गरीब आदमी को मुफ्त राशन दिया जाएगा, या जिनको गरीबी के कारण हैं, गरीबी रेखा के नीचे के कारण हैं, तब तक एमएसपी तो रहेगी ही रहेगी। सरकार को ही तो खरीदना है। यदि सरकार नहीं खरीदेगी
तो वो फिर सरकार बांटेगी कहाँ से। इसलिए एमएसपी के प्रति जो भ्रमित किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। इस कानून के तीनों कानूनों के बनने के बाद हमने उत्तर प्रदेश में इस घनघोर कोरोना के बावजूद 37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की, अब गेहूँ की खरीद कर रही। इसलिए वो पूरी तरह से भ्रम है। मथुरा जनपद में अगर बात करें तो कितने क्रय केंद्र लाए गए हैं और आप पब्लिकली किसानों से क्या अपील करेंगे? इस समय मथुरा जिले में 85 गेहूं के खरीद केंद्र हैं। मैं समस्त किसानों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि हमारे मथुरा जिले में कंपाइन चलती है। एक कंपाइन 24 घंटे में लगभग 300 से लेके 400 450 क्विंटल तक गेहूं निकाल देती है। एक खरीद केंद्र पे 250-300 क्विंटल से ज़्यादा नहीं तोला जा सकता। इसलिए किसान धैर्य रखें, एक एक दाना उनका खरीदा जाएगा, उनको खाते में 24 घंटे में 1975 का रेट उनके खाते में जाएगा। किसी भी प्रकार की किसान की लूट नहीं होने दी जाएगी, बिचौलियों को किसी भी तरह से यहाँ प्रवेश नहीं किया जाने देगा। इसलिए मैं इतना ही किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा, धैर्य रखें, सारा गेहूं उनका बिकेगा, कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद बातचीत इसमें साथ रहे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, जो कि किसानों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा उनकी अपनी सिफारिश की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों के गेहूं की खरीद होगी। जनपद में 85 केंद्र सरकारी तौर पर स्थापित किए गए हैं। बिचौलियों को पूरी तरह उन्होंने कहा है कि कहीं भी बिचौलियों की भूमिका पाई गई तो कठोर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। किसानों से अपील भी उन्होंने की है कि सरकारी जो रेट निर्धारित किया गया है, संबंधित अपने नज़दीकी जो केंद्र हैं, खरीद केंद्र बनाए गए हैं, उन पर जाएं और किसी भी बिचौलिया के संपर्क में न आएं और जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है 24 घंटे में उनकी फसल का निर्धारित मूल्य उन्हें मिलेगा। नियोजित कमर पर्सन संतोष के साथ गोविंद भारद्वाज।